हेलो डियर, वेलकम टू A1 कोचिंग सेंटर ओडिशा। आज वीडियो आम फेडरालिज्म इन इंडिया जहाँ को भारत संघीय व्यवस्था मध्य कहा जाए। देखंतु ए जो वर्ड रही संघीय व्यवस्था किंवा फेडरालिज्म यार अर्थ कौन, जिते बिल देखंतु गोटे पावर, सपोज यह गोटे पावर रही, से पावर केवल गोटे स्थान न रही जदि भी डिवाइड होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है गोटे आम फेडरालिज्म किंवा संघीय व्यवस्था कही था। जपुर देखो यह गोटे रही गोटे पावर चाल तो आम सप्लाय कही पार एर कौन हो जो पावर रही गोटे स्थान को जाठार आउ गोटे स्थान को एभली भाव में गोटे पावर गोटे स्थान न रही जदि दुईट भाव में डिवाइड होता है आम कहीपर फेडरालिज्म किंवा संघीय व्यवस्था कहीपर। ठीक से ही भारत संविधानिक गवर्नमेंट कौन होता है पावर गोटे स्थान न रही स्टेट एंड सेंट्रल केन्द्र और राज्य मध्य डिवाइड होता है आम कही था फेडरालिज्म किंवा संघीय व्यवस्था कही था। देखो जेपरी ए फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन व्हिच पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी। जदि भी गोटे पावर केवल सेंट्रल रे न रही जदि स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट दुई को ऊपर जदि डिवाइड होता है ताको आम कही था फेडरालिज्म किंवा संघीय व्यवस्था आम कही था। ये जो फेडरालिज्म किंवा संघीय व्यवस्था केते गुड़े वैशिष्ट मध्य रही से मध्यरु प्रथम वैशिष्ट है ड्यूअल गवर्नमेंट जहाँ आम द्वैत सरकार बोली कही था। देखो तो ये जो द्वैत सरकार एथिरे कौन होता है प्रत्येक सिटीजन किंवा नागरिक दुईटी विषय होता गोटे हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट विषय होता जहाँ को आम सब्जेक्ट बोली कही था एंड एनदर हूँ स्टेट रही गोटे सब्जेक्ट होता केवल से सेंट्रल नागरिक न रही से स्टेट नागरिक होता से दुईट गवर्नमेंट जथा सेंट्रल एंड स्टेट दुईट स्थान रही सब्जेक्ट किंवा विषय वस्तु होता से दुईट इलेक्शन पार्टिसिपेट करती जेपरी सेंट्रल कौन इलेक्शन होता है से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती स्टेट रोसी इलेक्शन होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती आम कही था द्वैत गवर्नमेंट कि ड्यूअल गवर्नमेंट बोली आम कही था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट केन्द्र और राज्य मध्य क्षमतार बंटन। देखो तो केन्द्र और राज्य मध्य क्षमतार बंटन को नहीं केते गुड़ी सब्जेक्ट करा जाई सब्जेक्ट वाइज स्टेट को केते दिया जाई तो केते यूनियन को दिया जाई जेपरी देखो तो यूनियन लिस्ट केतोटी सब्जेक्ट अच्छी 98 सब्जेक्ट एवं सही सब्जेक्ट उपरे केवल यूनियन ही कंट्रोल करी थाए सही सब्जेक्ट गुडिक हेउचंती डिफेंस प्रतिरक्षा तापर होइछि फॉरेन अफेयर्स तापर वार एंड पीस युद्ध एवं शांति देन रहिछि एटॉमिक पावर देन रहिछि नेशनल रिसोर्स एही सब उपरे केवल सेंट्रल ही कंट्रोल करी थाए। तापर रहिछि स्टेट लिस्ट रे 66 सब्जेक्ट रहिछि जे सब्जेक्ट उपरे केवल गोटे राज्य ही सही उपरे कंट्रोल करी थाए जेपरी पब्लिक ऑर्डर तापर रहिछि पुलिस तापर रहिछि स्टेट कोर्ट तापर रहिछि जेल तापर लोकल गवर्नमेंट जिते भी रहिछि तापर हेल्थ हॉस्पिटल ए सब उपरे केवल राज्य ही शासन करिथाय किंबा राज्य ही कंट्रोल करिथाय। एंड अनदर लिस्ट हेउछि कंक्यूरेंट लिस्ट हेउछि इंपोर्टेंट लिस्ट जे लिस्ट रे केवल केन्द्र नुहे केवल राज्य नुहे एठारे दुईट सरकार एठारे कंट्रोल करिथाय जे गुडी को सब्जेक्ट केवल देश पई इंपोर्टेंट रहिछि सेही सब्जेक्ट को कंक्यूरेंट लिस्ट रे इंक्लूड करा जाइछि। जेपुरी आमे देखिबा पॉपुलेशन तापर रहिछि एजुकेशन पॉपुलेशन देन रहिछि एजुकेशन पॉपुलेशन एंड एजुकेशन नॉट ओनली इंपोर्टेंट फॉर स्टेट बट ऑल्सो देखंतु आमे कहि पारिबा केवल राज्य पई इंपोर्टेंट नुहे एहा केवल राज्य पई इंपोर्टेंट नुहे एहा केन्द्र पई मध्य इंपोर्टेंट सेति पई एहा को कंक्यूरेंट लिस्ट रे इंक्लूड करा जाइछि। एबे देखिबा आमे नेक्स्ट फीचर कोन अछि रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित और अनमन्य संविधान। देखंतु आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहिछि ता मुख्यतः लिखित जहाँ को आम कही पारिबा फ्लेक्सिबल आमे ताहाकु फ्लेक्सिबल कही पारिबा एंड एनदर हेउछि अनमन्य संविधान जहाँ को आम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आम कही पारिबा। देखंतु प्रकृत रे फ्लेक्सिबल रो अर्थ कोन एंड रिजिड रो अर्थ कोन आमे काहे कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कही थाउ एवं काहे कि आमे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कही थाउ जे गुडी को आर्टिकल रहिछि किंबा जहा सब फ्लेक्सिबल रहिछि सेही फ्लेक्सिबल लेखा होइतबा सेतिर कोन करिबा आमे अमेंडमेंट किंबा आमे ताहाकु संशोधन करिबा अति इजी होइथाय। हेले देखंतु रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को आमे चेंज करिबा किंबा अमेंडमेंट करिबा बहुत कष्टकर होइथाय। हेले फ्लेक्सिबल जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन रही है ताको आम अति इजिली भाव में संशोधन करेपी पार्लियामेंट दुईट गृह रही गोटे हूँ लोकसभा एंड एनदर हूँ राज्यसभा ए लोकसभा एंड राज्यसभा रे जदि भी दुई तृतीयांश मेंबर जदि कौनसी आर्टिकल कि लाने कौन करती सम्मति प्रदान करती आर्टिकल संशोधन कर देखो
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन होइथाय ता चेंज करबा किमा अमेंडमेंट करबा बहुत कष्टकर होइथाय तेनो भारतीय संविधान दुईटी रो कोन कंपोजिशन होइथाय गोटे होची फ्लेक्सिबल एंड अनदर होची रिजिड गोटे गोटे को अमेंडमेंट करबा किमा संशोधन करबा सहज त आउ गोटे अमेंडमेंट करबा बहुत कष्टकर होइथाय नेक्स्ट फीचर रहिची अन इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल जुडिशियरी देखंतु आमे कहि परबा अन इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल जुडिशियरी स्वाधीन न्यायालय द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिजेक्ट एनी लॉ और एनी पार्ट ऑफ इट दे आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देखंतु सुप्रीम कोर्ट हेउची सर्वोच्च न्यायालय जहाको आमे कहि थाउ ता हेउची सबुठारो महान आमे कहि परबा जदि कोनोसी लॉ जेपरी जे कोनोसी लॉ मध्ये होइता होइ पारे जहाको सेंट्रल गवर्नमेंट किंबा स्टेट गवर्नमेंट जदि चालू करथिबे कोनोसी लॉ उपरे मध्ये जेपरी आमे सपोज नेबा आधार कार्ड देखंतु आधार कार्ड जदि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करिछि जे कोनोसी योजना हो आधार कार्ड किंबा जे कोनोसी योजना मध्ये हो सेंट्रल गवर्नमेंट जदि इशू करिछि एवं सेही योजना आमर सुप्रीम कोर्ट को ठीक लागू नाही एवं ताहा जनहितकर प्रति नुहे ताहिले कोन हेबो सुप्रीम कोर्ट ताहाकु रिजेक्ट करि देई पारे जे कोनोसी लॉ मध्ये होई पारे ताहाकु सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करि देई पारे किंबा ताहाकु अमान्य मध्ये करि देई पारे ठीक सेही परी स्टेट गवर्नमेंट मध्ये कोनोसी योजना अप्लाई करथिले सेही योजना को सुप्रीम कोर्ट मध्ये एपडी भाबर रिजेक्ट मध्ये करि पारिबो तेनो सुप्रीम कोर्ट को आमे कहिता गोटे अपेक्स बॉडी किंबा सर्वोच्च न्यायालय मध्ये आमे कहिताउ सबुठारो उच्चरी जहां रहिछ ता हेउछि सुप्रीम कोर्ट किंबा सर्वोच्च न्यायालय ताले देखंतु आजिर वीडियो को आमे एठारे एंड करूछे जदि वीडियो आपनको पसंद लागितो ताले वीडियो को लाइक करबा सो चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करंतु एंड निजो फ्रेंड सर्कल रे ए वीडियो को शेयर करंतु।